हेलो, नमस्कार। अभी जो है ये मेरा फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास का ये मेरा मतलब नया यूट्यूब चैनल भी है। इससे पहले मैं कहीं और क्लास दिया करता था। तो आज से जो है अपना जो है क्वांट का मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास जो है। तो इससे पहले कि मैं कुछ और बताऊं, आपको पहले ये बता दूं कि हमारी क्लास का नाम जो है वो IMQ है, आई मीन सॉरी 11MQ है बाय मिस्टेक। तो 11M जो है ना वो रिलेट करता है थोड़ा बहुत, जो है वो रिलेट करता है IIM से। अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना तो देखो ऐसा है ना कि IIM से जो है ये रिलेट करता है। तो मेरा जो मकसद ये है कि जो स्टूडेंट जो है ना वो 11M से पढ़ के और जो है ना उनका जो जर्नी है ना वो IIM तक कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है मेरा कि आप जो है 11M से पढ़ो और IIM तक जाओ, और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारा जो टीम है वो सारा चीज़ आपका जो है क्लियर करवाएगा। अभी तो फिलहाल जो है अभी तो क्वांट की क्लास चलेगी। अगर चैनल पे रीच आनी शुरू हो गई तो फिर धीरे 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 अपन जो है और भी क्लासेस लाएंगे LRDI की। अगर ज़रूरत हुआ कभी टाइम आया तो VARC की भी क्लास हो जाएगी। बेसिकली ये जो हमारा जो चैनल है ये कैट स्टूडेंट के लिए है। इवन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी और के लिए, लेकिन कैट स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा जो है ये है। हमारा जो है सबसे पहला ये है कि नो फार्मूला यूज़, मतलब हम जो है ना फार्मूला यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। बिना किसी फार्मूला का हम जो है ना अर्थमेटिक आज का सॉल्व करेंगे। आज का या अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन विदाउट एनी फार्मूला यूज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे जो है ना कोचिंग का, आई मीन मेरे चैनल का और मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी कुछ करना है वो सब लॉजिक पे करना है, क्योंकि कैट में जो है ना सब लॉजिक ही होता है, लॉजिकली क्वेश्चन होता है, समझ रहे हो। कॉलेज का ये नहीं है, कॉलेज का ये नहीं है कि कॉलेज का क्वेश्चन जो है वो रिपीट करेगा, क्योंकि कैट में जो है ना क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं करते हैं। आप कभी कभी देख लो, 25 साल पहले की देख लो या 10 साल पहले की देख लो या 2 साल पहले की भी देख लो, कभी कैट में क्वेश्चन जो है ना रिपीट नहीं करते हैं। अब सेकेंड थिंग ये है हमारी क्लास की कि हम जो है ना नो ट्रिक भी यूज़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप पूछोगे फार्मूला कैसे यूज़, और फार्मूला यूज़ नहीं करोगे तो ट्रिक पे, नो ट्रिक, कोई ट्रिक नहीं है भाई, ये कोई ट्रिक नहीं है। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ना वो सब लॉजिक पे करेंगे। सारा का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा वो लॉजिकली होगा, माइंड से होगा, आपको माइंड से सोचना पड़ेगा, क्योंकि कैट का नाम ही है लॉजिकल। लॉजिकली आपको करना है, वो लॉजिकली क्वेश्चंस ही देते हैं। आप जितना लॉजिक लगा के सोचोगे ना आपका जो है ना बस बेसिक जो है ना आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। तो आज के सेशन में यही करना है, मुझे यही बताना है आपको आज के सेशन में या आगे वाले जो भी सेशन होंगे, जो भी क्लासेस होंगे, बस अब बने रहना। हमारा जो है कैट में, जैट में, IIFT में, स्नैप में, बैंकिंग में, बैंकिंग में का भी आप यूज़ कर सकते हो। बैंकिंग में भी हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट ये जो है ना यूज़ हो सकता है। बैंकिंग का जो है थोड़ा सा लो लेवल क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जो है कैट, जेड, IIFT, स्नैप, ये सब में बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, देखने में हार्ड होते हैं, लॉजिकली करोगे सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो ईजी है। बात समझ में आ रही है। क्वांट का जो है 11M से आपका जो है क्वांट का मैं क्लियर कराऊंगा, आप बेफिक्र रहो, हमारा सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांट का आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, ठीक है, बस बने रहो आप।
और दूसरी बात है हमारा जो है ना, नो एनी फी, हम कोई फी नहीं लेते हैं, हमारा जो भी चीज़ है वो सबका सब फ्री है, फ्री मॉक होगा, फ्री टेस्ट होगा। सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आई थिंक इधर उधर हो रहा है। फ्री टेस्ट होगा, समझ रहे हो आप बात को। और टोटल जो भी है ना, सबके सब फ्री हैं, हमारा टोटल जो है वो सब फ्री है, समझ रहे हो। कोई कोर्स का कोई भी पैसा वैसा हम नहीं लेने वाले हैं, जो भी होगा सबका सब जो है फ्री होगा। ये हमारी क्लास का जो है कॉन्सेप्ट है, हम आपका सारा सिलेबस जो है ना वो पूरा करवाएंगे, क्लियर करवाएंगे, आप इसके लिए एकदम बेफिक्र रहो। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का ये फर्स्ट क्लास जो है, इसमें हम लोग शुरू करेंगे परसेंटेज। तो ऐसा है ना कि परसेंटेज जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर वाइज, समझ रहे हो बात को। परसेंटेज जो है वो चैप्टर वाइज जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जो है ना आँख कान और दिमाग जो है ना खोल के जो है ना मेरे वीडियो को, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो को पूरा सब कुछ खोल के देखना, आँख कान और माइंड, और कुछ नहीं खोलना है, बस यही तीन चीज़ खोलने हैं और आपको ध्यान से देखने हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। तो ऐसे करते हैं कि आज का जो क्लास है वो करते हैं अब शुरू, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। एक और चीज़ बता दे रहा हूँ कि नवंबर 2021 में जो है ना कैट के जो है बहुत सारे जो मतलब जो क्वेश्चंस जो थे वो अलजेब्रा से आए हुए थे, ठीक है। सॉरी अलजेब्रा कर रहा हूँ, ऑर्थमेटिक से आए हुए थे, ठीक है। और हमारा जो क्लास जो है वो पर डे जो है वो 6 PM पे अपलोड होगा, हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास है पर डे 1 घंटे का क्लास होगा वो 6 PM पे, और सैटरडे और संडे को जो है ना हमारा जो क्लास है ना वो ऑफ रहेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम जो कवर कर लेंगे नवंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है उसको अपन जो है कवर कर लेंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, ठीक है। तो और कुछ तो फिलहाल अभी नहीं बताना है, अब सीधा क्लास को शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो गया, 10 मिनट से मैं यही बोल रहा हूँ। बस इतना जान लो कि आपको जो है ना नॉर्मली फ्री माइंड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना है, लॉजिकली सॉल्व करना है बिना किसी प्रेशर का। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास परसेंटेज की, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है अर्थमेटिक के लिए। और अर्थमेटिक में इसमें से जो क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, और ये जो परसेंटेज जो है ये अपना पहला टॉपिक है, ये जो है ना हर चीज़ में आपका यूज़ होगा, अर्थमेटिक के हर कॉन्सेप्ट में आपको जो है परसेंटेज का यूज़ करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है मतलब वो कॉन्सेप्ट आएंगे। एग्ज़ाम पर्पस से अगर देखो तो परसेंटेज जो है उसमें बहुत सारे मतलब अगर आप 98, 95 और 56 ये सब जो अगर लाना चाहते हो, ये तो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा है ना कि परसेंटेज तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि परसेंटेज होते क्या हैं, ठीक है। परसेंटेज वो होते हैं, सुनो ध्यान से, परसेंटेज वो होते हैं जो टोटल स्कोरिंग होता है। मान लो आपके पास 500 है नंबर जो है टोटल स्कोरिंग है सब्जेक्ट का, उसमें से आपको 300 आ रहे हैं, तो 300 जो है वो 500 के कितने परसेंट हैं इस बात को आपको बताना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 98 आया 95 आया, इसी बात को जो है ना आपको बताना है कि 500 जो टोटल है, जिस 500 जो है ना वो टोटल उसका ये है स्कोरिंग है, और
300 500 के कितने परसेंट के बराबर है, इसी को आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। समझ रहे हो बात को? ये सब हम लोग जो है ना 7 8 9 ये सब क्लास में जो है ना हमने कर रखा है। तो आज की क्लास में आपको बस बेसिक समझना है, बेसिक अगर समझ लिए ना तो लॉजिकली आप कर लोगे। तो हम जो है ना बेसिक से हाईएस्ट लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर उसके बाद क्लियर करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये परसेंटेज में ये जानना है कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, जो आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, इतने तो आप ये नहीं हो कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है? तो परसेंटेज को जो है ना हम लोग 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जैसे मैंने बताया कि टोटल जो स्कोरिंग होगा, ठीक है, वो स्कोरिंग कुछ भी हो सकता है, 200, 2000, 5000, 500, कुछ भी हो सकता है, वो टोटल स्कोरिंग होता है, उसको हम लोग 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो है टोटल अमाउंट जो होती है उसको परसेंटेज में हम लोग 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? वो कोई भी अमाउंट हो सकती है, ठीक है, 500 हो या 5000 हो, कोई भी अमाउंट हो सकती है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, टेलीग्राम का मैं लिंक भी दे दूंगा, ठीक है? अब सुनो आगे। अगर मान लो मेरे पास 500 जो है टोटल सब्जेक्ट स्कोरिंग है, तो वो 500 जो है ना वो हमारा 100% है। 500 जो है ना वो हमारा 100% है। 500 को हम जो है ना 100% से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ रहे हो? बात आ रही है समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो 500 हमारा जो है वो टोटल स्कोरिंग है, और 500 में 400 आ रहा है, तो वो 500 के कितने परसेंट के बराबर है, इसी बात को आज जो है ना परसेंटेज में पढ़ना है। यही क्लास है आज की, कि 500 जो है ना, 500 में 400 जो है उसके कितने परसेंट के बराबर है। बात को ध्यान से सुनना। जैसे जैसे देखो, ऐसे कहते हैं, जैसे मान लो कि हमारा जो है 100 है। अब 100 का 20% निकालनी है, ठीक है, कितना होगा? 20 हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली नॉर्मल हो जाएगा, एकदम सिंपल है, ठीक है। दूसरा लेते हैं, 200 है, और 200 का मुझे निकालना है 30%, कितना हो जाएगा? कितना होगा बताओ? 60, सिंपल। समझ रहे हो ना? तो ये सब लॉजिकली करना है, लेकिन अगर हाई अमाउंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे उसको आज जो है ना इस क्लास में सीखना है। मान लो मेरे पास 600 है, उसका मुझे 10% निकालना है, कितना हो जाएगा? 60 होगा ना, 60। समझ रहे हो? ठीक है, तो आज का ये क्लास जो है ना, कैसे परसेंटेज निकालते हैं इसको सीखना है। ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं, एकदम लॉजिकली, एकदम सिंपल वे में आपको जैसे निकालना है वो मैं सिखाऊंगा सिंपली, ठीक है? तो देखो, अगर मान लो आपके पास ये तो आप लॉजिकली कर लिए, अगर मान लो आपके पास हाई अमाउंट हो तो आप कैसे निकालोगे? समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास इतना अमाउंट दे दे, 25,500, उसका 20% निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो यही जो अमाउंट जो है, जो बड़ा जो स्कोरिंग रहता है उसको कैसे क्लियर करना है उसको जो है अब हम सीखते हैं। चलो ठीक है, फिर तो क्लियर करते हैं। देखो, मान लो 200 है, ठीक है, इसका दे रखा है 30% निकालनी है, ठीक है। तो 30 बाई 100, जैसे मैंने बताया कि 100 वो है फुल स्कोरिंग, जो अमाउंट का जो स्कोरिंग होता है, जो उसको हम लोग 100 से ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 100 हो गया। अब इसको सिंपली कर लो, बस यही जो लॉजिक है ना, यही लॉजिक हर जगह काम आएगा। कोई भी परसेंटेज निकालना हो तो आपको यही लॉजिक अप्लाई करनी होगी। अब निकालते हैं, 0 से 0 कटा, इसका हो जाएगा 60। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब देखो, अब देखो, अब ऐसा है ना कि अपने को ये निकालना है,
17,700, समझ रहे हो? अब इस अमाउंट को कैसे निकालेंगे? सेम वही लॉजिक, इसका 13% निकालना है, इसका 13% निकालना है, निकालो कैसे निकलेगा? सेम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, सेम सेम वही लॉजिक अप्लाई, ठीक है करो। अरे भाई थोड़ा हाथ पेन चलाओ अपना, चलो ठीक है निकालो, कितना हो गया, कितना हुआ? तो ये देखो, ये अपना गया 0 से 0, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके अपना आ गया कितना, 23,01, 2301 जो है अपना आंसर हुआ, 2,300,01, ठीक है। आपको जो है ना कैट में कैलकुलेटर भी मिलता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही हार्ड होता है। वो जो है ना, आप कैलकुलेटर पे ये नहीं रहना कि हाँ मुझे कैलकुलेटर ही यूज़ करनी है, बात समझ रहे हो बात को? इस बात पे ये नहीं रहना कि आपको कैलकुलेटर ही यूज़ करनी है, क्योंकि जितना टाइम आप कैलकुलेटर यूज़ करने में जाओगे ना, उतने टाइम में आपका जो है ना बहुत टाइम निकल जाना है। आई बात समझ में? तो ये बात समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे आपको निकालना है, परसेंटेज कैसे निकलते हैं? चलिए बढ़िया, नहीं आया हो फिर से एक बार रिपीट पे आप जो है देख लेना। चलो अब और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं। देखो मेरे पास दिया है 12,025, ठीक है, इसका 9% निकालना है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? वही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा जो मैंने किया था, एक बार खुद से करके देखो भाई, खुद से करके देख लो एक बार, देखो वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है चलो करो, सिंपल वही लॉजिक जाएगा, कितना हो जाएगा, कर लिए ये हो जाएगा 1,082.25, ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, बस यही लॉजिक जो है ना आपको अप्लाई करते रहना है, कितना भी परसेंटेज पूछ ले, कोई भी अमाउंट दे दे, आपको बस यही लॉजिक यूज करके आपको जो है क्वेश्चन को जो है क्लियर करके आंसर निकाल देना है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अभी जो है एक और कॉन्सेप्ट अपन करते हैं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अब इसमें जो है ना आपको जो है ना परसेंटेज अमाउंट दिया रहेगा, लेकिन ये नहीं पता रहेगा कि परसेंटेज कितना है, तो उसको कैसे निकालेंगे वो क्लियर करना है, ठीक है। चलो फिर करते हैं, मान लो मेरे पास दिया है 1,000, ठीक है। अभी एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये तो नॉर्मली हम लोग निकाल देते हैं, वही जो बता रहा हूँ मैं कि इसका मैंने 1,000 करके निकाल दिया, 10% जो है मैंने निकाल लिया, परसेंटेज अमाउंट जो है उसमें दिया था हमने, परसेंटेज दिया था और परसेंटेज अमाउंट जो है हमने निकाल लिया। अब जो है नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसमें जो है ना अमाउंट दिया रहेगा लेकिन परसेंटेज जो है ना वो नहीं दिया रहेगा, कैसे करेंगे ये देखो। 1,000 इंटू इज कॉल टू वॉट परसेंट ऑफ 100, कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसका जो है ना परसेंटेज निकालनी है, सॉरी, तो 100 जो है वो 1,000 के कितने परसेंट के बराबर है? सेम वही करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1,000 जो है ना, सॉरी 100 जो है ना 1,000 के कितने परसेंट के बराबर है? सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, सेम वही परसेंटेज की जगह पी को ये करना है, लिख देना है, ठीक है लिखो, पी को लिख देना है, और जो है ना 100 से, जैसे मैंने बोला था 100 से वो करेंगे, और उसको जो है ना अपना कर देना है, ठीक है उसको जो है अपना कर देना है, क्लियर आपका हो जाएगा ये आंसर आउट, बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैं, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही है? अब देखो, ये हमारा निकल रहा है, ठीक है। 10p इज इक्वल टू 100, p इज इक्वल टू 100 बाई 10p, ठीक है। अपना हो गया 10%, निकल गया क्वेश्चन का आंसर। समझ रहे हो बात को? बात समझ रहे हो? ये 10% कैसे किया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब देखो, आगे देखो। नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है ना मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट में जो है ना आपका रिप्लाई कर दूंगा, और या फिर मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। एक बार आप वीडियो जो है ना एक बार फिर से देख लेना, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो। आगे अभी और भी सारे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तभी जाके आपको है ना आगे वाली कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। बात समझ रहे हो? एक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, समझ में आएगा, तभी आपको है ना दूसरे कॉन्सेप्ट का भी मीनिंग समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे हो रहा है। समझ रहे हो? तो चलो फिर आगे वाली क्वेश्चन एक कर लेते हैं। क्या करना है, ठीक है। तो आगे हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि मान लो ये VVI रहेगा। VVI कॉन्सेप्ट जो है वो बता रहा हूँ, ये चैप्टर वाइज भी बहुत VVI है, ठीक है। परसेंटेज जो है बहुत VVI क्वेश्चन, आई मीन चैप्टर है। इसमें बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस जो हैं अर्थमेटिक के आते रहते हैं। बात समझ रहे हो? अर्थमेटिक बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आते रहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। इसमें से अर्थमेटिक के देख लो, आपका जो है ना कैट 2021 के अकॉर्डिंग आपका अर्थमेटिक का 7 से 8 क्वेश्चन जो है आए हुए थे। उसमें से क्या है ना, अर्थमेटिक जो है TSD ये सब जो मिस रहता है उसमें जो है ना परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना वो आए रहते हैं। परसेंटेज से TSD से आता रहता है, ये सब से आते रहते हैं। बात को समझ रहे हो? तो इसको आप लाइटली लेके नहीं चलना। परसेंटेज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका यूज़ हर जगह है, इवन TSD में भी इसका यूज़ है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो फिर सही है। तो अब देखो अपना आगे का एक कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आगे जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो है ना आपका हर जगह यूज होगा। जो भी एक कॉन्सेप्ट मैं जो भी बता रहा हूँ या अभी जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप एकदम ध्यान में रख लेना, माइंड में बैठा लेना। वो 3 कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ रहे हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना यूज़ हर जगह होने वाली है इसका यूज़, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप एकदम ध्यान में रखना, यही बात आपको बतानी है कि ये कॉन्सेप्ट है ना आपको बहुत ध्यान में रखना है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व हो जानी है। आ रही है बात समझ में? तो एक जो है मैं ऐसा बता रहा हूँ उससे पहले कि मान लो एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम के पास 100 है और श्याम के पास 20%, मतलब कहने का मतलब कि राम का जो 100 रुपीज़ वो सैलरी है, ठीक है, पर डे की, और श्याम जो है ना राम की सैलरी का 20% ही उसको मिलता है, ठीक है। चलो मान लिया अब इसको 500 कर लेते हैं, तो राम को अगर 500 मिल रहा है तो श्याम को है ना राम की सैलरी का मात्र 20% ही मिल रहा है। बात समझ रहे हो? यही कॉन्सेप्ट आज क्लियर करनी है। तो वो कैसे करेंगे? मान लो ऐसे एक नंबर वाले में ये लो, मान लो ए इज 30% ऑफ बी। ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, ये बात को ध्यान देना।
ए इज 30% ऑफ बी, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ए जो है वो बी के मात्र 30% ही है। कैसे लिखेंगे इसको? ए इज कॉल टू 20/100 बाई बी, सॉरी 20/100, जो 100 को मैंने बोला था कि 100% रिप्रेजेंट करना है आपको वो, ठीक है, और लिख देंगे बी, क्योंकि बी के अमाउंट का बोल रहा है ना, बी के अमाउंट का बोल रहा है, और बी का वैल्यू मैंने दे रखा है 1000, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? वही कॉन्सेप्ट अपना, सिंपल वही कॉन्सेप्ट रहेगा, 20/100 इंटू 1000, कट गया। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200, समझ रहे हो बात को? ए का वैल्यू 200, और बी जो आप इधर लिखो, राइट साइड लिखो या लेफ्ट साइड लिखो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बी को, ये जो बी है, इसको राइट साइड लिखो या लेफ्ट साइड लिखो, दोनों तरफ सेम ही है, दोनों तरफ जो है ना वो सेम ही है, ठीक है। तो कैसे किया मैं, ये देख लो, आप खुद से एक बार घर पे ट्राई करना। ए इज 30% ऑफ बी, बात समझ रहे हो? ओ सॉरी, 30% है ना, सॉरी 30%, एक मिनट रुक जाना, माई मिस्टेक, 300 होगा, यहाँ भी गलत है, 30 हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए इज 30% ऑफ बी, बात समझ में आ रही है? अब अपना दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो, ये तीन कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान रखना, ठीक है। हमने बी का वैल्यू, ए का वैल्यू आपको बता दिया, अब सुनो, अब सुनो, ये बात जो है ना आपको एकदम ध्यान में रखना है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो दूसरा, अगर मैं कहूं ए इज 30% मोर देन बी, क्या समझ में आया? ए इज 30% मोर देन बी, इसका मतलब यही हुआ ना कि ए को अगर 100 माना, मैं सॉरी, बी को अगर 100 माना है तो ए जो है उससे प्लस में है। 30% मोर का मतलब क्या होता है? उससे ज्यादा है, 30 उससे ज्यादा है, ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर बी 100 है तो उससे वो 30 ज्यादा है, तो इसको क्या करूंगा? प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा, समझ रहे हो? प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, क्योंकि मोर है। कैसे लिखूंगा? ए इज कॉल टू 130/100, ठीक है, क्योंकि प्लस किया है मैंने, 100 बाई इंटू बी, समझ रहे हो बात को? क्योंकि बी जो है वो उसका 100% है। और एक और बात याद रखना, जिससे कंपेयर करते हैं ना उसको हम लोग जो है ना नीचे रखते हैं। यहाँ पे मोर है, मोर का मतलब प्लस होता है, समझ रहे हो? मोर का मतलब जो है वो प्लस होता है, मोर का मतलब जो है ना वो प्लस होता है, इस बात को याद रखना। तो हम हमेशा से जो भी है ना उसको प्लस करेंगे जिससे कंपेयर करना होगा, बी से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड वाला सुनो, ए इज 30% लेस देन बी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ए इज 30% लेस देन बी, ऊपर वाले में मोर था प्लस किया, नीचे वाले में लेस है, क्या करूंगा? क्या करूंगा? माइनस करूंगा, यही करूंगा ना मैं, यही करूंगा ना, माइनस करूंगा। तो यहां पे अगर बी 100 है तो 30 को 20 से जो है 100 से माइनस करना होगा, करना होगा ना, क्योंकि 20 से कंपेयर करना है,
ठीक है, बी से कंपेयर करना है तो इसको माइनस करूँगा, समझ रहे हो बात को? तो क्या करना होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 होगा, होगा ना, 100 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 70, 70 बाई 100। अब बी की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू जो है वो पुट कर देना ही है, समझ रहे हो बात को? समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये जो तीन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह आपको काम आएगा, ये तीन कॉन्सेप्ट जो है ना ये बहुत ज्यादा मोर लेस के जो है ना, 100 कितना 100 से है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैंने ए की जगह बी लिख दिया और बी की जगह मैंने लिख रहा हूँ ए, मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है, तो ए यहाँ पे 100 हो गया, बी यहाँ पे कितना हो गया, बी कितना हो जाएगा, मोड़ में कितना आ जाएगा, 130 होगा ना। तो ये देखना है कि आपको कंपेयर किससे करना है, ठीक है, कंपेयर किससे करना है। तो कंपेयर वाला हमेशा नीचे लिखा जाता है, जिससे कंपेयर करनी रहती है ना उसको हमेशा नीचे लिखे रहते हैं, जिससे कंपेयर करनी है उसको ऊपर लिखते हैं। मतलब ए बी को ए से कंपेयर करनी है तो बी जो ए बी जो है ना वो नीचे रहेगी, बात समझ रहे हो? अगर ए को बी से कंपेयर करनी है तो बी जो है वो नीचे रहेगी, बात समझ रहे हो? अगर बी को ए से कंपेयर करनी है तो ए जो है ना वो नीचे रहेगा, मतलब जिससे कंपेयर करना है वो पार्ट नीचे रहता है। इस बात को हमेशा याद रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट में ये पार्ट जो है ना याद रहेगा, ठीक है, बात समझ रहे हो? आई बात समझ में? इसको आप जो है ना नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार आप रिपीट मोड पे एक बार फिर से देख लेना, अगर उसके बावजूद भी ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करना, ठीक है। एक बात का ध्यान रखें, आलतू फालतू मैसेज प्लीज ना करना, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा, अभी जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, चलो मान लो, मान लो अमित है, उसकी जो सैलरी जो है ना, अमित की सैलरी जो है वो है 12,000, उसकी जो है सैलरी है, ठीक है, 12,000 उसकी सैलरी है, ठीक है। अब एक और लेते हैं, ठीक है, अस्मिता है, अस्मिता है, वो जो है ना, वो जो है ना अमित की सैलरी की 20% ही उसको सैलरी मिलता है, अस्मिता को 20% ही अस्मिता को जो है ना अमित की सैलरी का मिलता है, बात समझ रहे हो, ठीक है, 20% मिलता है। तो अभी क्या है, तो अभी कैसे निकालोगे, वही फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट अपना यूज़ होगा, ठीक है, कंपेयर करना है अमित से अस्मिता को, 20% है, कैसे लिखोगे, अमित सैलरीज उसकी है, अस्मिता की सैलरी अपनी को निकालनी है, ठीक है, कैसे निकालोगे एक बार खुद से ट्राई करो। चलो इसको करते हैं अपन सॉल्व, देखो देखो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, वो ऐसे होगा कि अस्मिता, अस्मिता है उसकी सैलरी निकालनी है, ठीक है, अस्मिता की सैलरी निकालनी है मुझे, ठीक है, और अस्मिता जो है 20% ही है, तो 20 by 100, समझ रहे हो, इनटू कितनी है उसकी टोटल अमाउंट, 12,000 उसकी सैलरी मिल रही है, आई बात समझ में, बात समझ रहे हो, यही हुआ, उसका कितना हो जाएगा, अस्मिता को कितना मिल रहा है, 2,400, बात को समझो, ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो आगे मैं अभी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं कैट वाले जो क्वेश्चंस होंगे, पहले बेसिक समझ लो, धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे, बेसिक स्ट्रांग रहा आप लॉजिकली कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे, ये जितना भी बता रहा हूँ सब लॉजिक है,
कोई फार्मूला यूज़ नहीं है, नो फार्मूला यूज़। ठीक है, अब इसको ये ऐसा करते हैं कि अब इसको मोड़ कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को मोड़ कर देते हैं। अब जो है अस्मिता, अस्मिता की जो सैलरी है वो अमित की सैलरी से 20% मोड़ है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? अस्मिता की सैलरी अब जो है 20% मोड़ है अमित की सैलरी से, कैसे करोगे? सेम वही लॉजिक, प्लस हो जाएगा, मोड़ है तो 120/100 इंटू 12,000, मोड़ होता है तो प्लस ही होता है ना, इस बात का याद रखना, मोर रहेगा तो प्लस होगा, मोर रहेगा तो प्लस होगा, लेस रहेगा तो माइनस होगा। ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, सिंपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो कितना हो जाएगा, कितना होगा 120 इंटू 120 कितना हो जाएगा, 14,400, 14,400। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा चेंज करते हैं अपने थर्ड वाले कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे यूज करते हैं थर्ड वाला कॉन्सेप्ट, याद है लेस वाली? ठीक है, यहाँ पे मोड़ थी, अब लेस वाले को हम लोग यूज करेंगे, मोड़ वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? आसी, अब इसको करते हैं अपन लेस। ठीक है, लेस कर दिया मैंने, अब बताओ क्या होगा, लेस मतलब माइनस, अब बताओ क्या होगा, 80 हो जाएगा, होगा ना, लेस है तो 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 मैंने लिख दिया। अब देखो आगे नॉर्मल सॉल्व करो, नॉर्मल सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 9,600। ये तीन कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। अब आपका काम होता है कि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको जो है ना इस पे जो है ना बैठ के प्रैक्टिस करनी है। देखो ऐसा है कि बिना प्रैक्टिस का ना क्वांट सॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे आप रट के आओगे कोई चीज़ आपका काम नहीं आएगा। आपको लॉजिकली समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि सॉल्व कैसे हो रहा है। बिना क्वेश्चन सॉल्व समझे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हो, समझ रहे हो? चलो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मान लो मेरा जो है 1,000 मेरी सैलरी है, ठीक है, और मेरा बॉस बहुत खुश है मेरे से, और उसने बोला कि 25% का इंक्रीजिंग कर रहा हूँ मैं, 25% से तुम्हारा सैलरी जो है इंक्रीज कर रहा हूँ, बहुत खुश है उसने मुझे बोला एक दिन, और 25% से बढ़ा दिया। तो अब बताओ एक दिन क्या हुआ कि वो जो है मैंने उसका प्रोजेक्ट वर्क नहीं किया, काम नहीं किया, और उसने मेरे गुस्से में बोला कि जाओ मैंने जितनी सैलरी तुम्हारी इंक्रीज की थी मैं उसको डाउन कर दे रहा हूँ। तो अब बताओ अगर इंक्रीज 25% से हुआ है, ठीक है, तो डिक्रीज कितने परसेंट से होगा? अगर इंक्रीज 25% से हुई है, ध्यान से सुनना, तो डिक्रीज कितने परसेंट से होगा, आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा? 25% से इंक्रीज किया है तो डिक्रीज कितने परसेंट से करूंगा? 25% से, यही आ रहा है ना दिमाग में कि अगर 25% से बढ़ाया है तो डाउन भी तो 25% से ही करूंगा ना? नहीं, गलत है ये, नो नो नो, ये गलत है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं जो है ना मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास है उस वाले में मैं आपको जो है ना इसको मैं समझाऊंगा। तो ध्यान से इसको समझना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंक्रीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह अप्लाई होता है। अगर 25% से बड़ा है तो डिक्रीज जो होगा ना वो 25% से नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे वाले वीडियो में मैं जो है आपको मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल जो है अभी
ये भी परसेंटेज का ही पार्ट है, लेकिन आगे वाले क्लास में आएंगे। लेकिन अभी जो है कुछ और क्वेश्चंस जो हैं और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को मुझे क्लियर करना है। तो अभी देखो आगे वाले में देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखो कैसे हमारे जो शॉप्स वाले जो होते हैं ना, जो दुकान वाले जो होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज जो डिस्काउंट देते हैं, वो कैसे स्कैम करते हैं। हमें को लगता कुछ और है, वो करते हैं कुछ और है। मान लो किसी दुकान में आपने बोला कि लिखा हो उस पर कि 30% प्लस 20% ऑफ, मतलब 30% का डिस्काउंट है प्लस 20% का और डिस्काउंट है, समझ रहे हो। ये देख के क्या लगेगा आम आदमी जो होगा, नॉर्मल आदमी जिनको पता नहीं होगा इसके बारे में, क्या लगेगा कि 50% है। यही लगेगा ना कि 50% है, समझ रहे हो बात को, 50% है। वाकई ये 50% है? नहीं, दिस इज नॉट 50%, ये 50% नहीं है। देखो ये 50% कैसे नहीं है मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। देखो ऐसा है, 30% का डिस्काउंट दिया है प्लस 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 मैंने मान लिया प्राइस है, MRP है एक, उस पर वो 30% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो वो 30% का जो डिस्काउंट दिया था, मैंने कैसे बताया था कि अगर लेस हो तो उसको माइनस करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट में बताया था मैंने कि लेस हो तो उसको हम लोग करते हैं माइनस, किससे करते हैं 100% वालों से। तो अभी क्या करूँगा, लेस है तो इसको करूँगा मैं माइनस, क्या करूँगा मैं, याद आ रहा है अभी जस्ट बताया मैंने, क्या करूँगा 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70। आप समझ रहे हो, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया है माइनस होगा, MRP से हमेशा डिस्काउंट जो है माइनस होता है। ये सब परसेंटेज का पार्ट है, अभी प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ोगे। सेम यही चीज़ जो है 20% वाला से है, ठीक है। लिखोगे कैसे इसको, कैसे लिखूंगा, बात समझो, बात को समझो। 70 बाई 100 इंटू सेम वही कॉन्सेप्ट, 100 बाई 20 करूंगा उसको, कैसे करूंगा, क्योंकि वो भी जो है ना वो भी माइनस ही है, डिस्काउंट है। उसने बोला है 30 प्लस 20, तो 100 माइनस 20 80 आ गया। अब इसको इसमें लिख दूंगा, सिंपल यही लॉजिक आपको अप्लाई करनी है, कितना भी डिस्काउंट क्यों ना दिया हो, 80 बाई 100 सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि 30% यहाँ से वहाँ से, अगर आप कैट क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा, आप देखना, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 7 × 8 कितना हो जाएगा 56। अब बताओ जो 50% का डिस्काउंट दिख रहा था, वाकई ये 50% का डिस्काउंट है, आपको तो पे करने हैं 56 रुपीज़, 100 रुपीज़ का सामान है, उसमें आपको जो है ना डिस्काउंट दिया उसने 30 प्लस 20, आप दे रहे हो उसको पे कर रहे हो 56 रुपीज़, कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने, ओनली 44%, कितने परसेंट, ओनली 44% का डिस्काउंट मिला है। तो इस भ्रम में नहीं रहना कि 30% प्लस 20% इज कॉल टू 50%, नो, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, ऐसे ही होगा सॉल्व, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब चलो इस बात का ध्यान रखते हुए अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कि बहुत ही लॉजिकल आपको सोचना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। माइनस प्लस जो दे रहा है ना, माइनस ही होगा, MRP से हमेशा डिस्काउंट को है ना माइनस करते हैं। चलो बात समझ रहे हो, 50% दिखता है लेकिन 50% होता नहीं है, समझ रहे हो बात को। अब चलो एक और क्वेश्चन कर ले, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बने रहो, देखते रहो कैसे क्या हो रहा है। ये सब जो है ना बैंकिंग लेवल से भी आते हैं। अभी देखो
क्या हो रहा है, 100 ट्राइज है उसके, ठीक है, और 100 में से मैंने 30 माइनस किया, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि मैंने माइनस क्यों कर रहा हूँ। भी माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है ना, क्योंकि वो जो है ना डिस्काउंट दे रहा है। मैंने बताया कि लेस मोर, ये मैंने सिखाया था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्लस वाला भी क्वेश्चन करेंगे करेंगे वो भी क्वेश्चन, लेकिन अभी माइनस वाला सीख लो, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बताया, एक बार फिर से ये देख लो आप, समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो एक बार फिर से आप वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने दो बार आपको बता दिया, ठीक है। तो 56 रुपीज आपको जो है ना पे करनी है। हमें तो दिख रहा था 50%, लेकिन 50% था नहीं, पे तो कर रहा हूँ मैं 56। डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट मिला मुझे 44 का, समझ रहे हो, डिस्काउंट मिला मुझे 44 का। 50% डिस्काउंट जो था ना वो फेक था, मतलब दिखता था। ऐसे ही करते हैं स्कैम शॉप वाले, अच्छे अच्छे कंपनीज, डोमिनोज, पिज्ज़ा, ये सब जो भी होते हैं ना, ये सारे ऐसे ही करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, काटते कुछ और हैं। लोग को लगता है कि हाँ बहुत डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ज़्यादा सीरियस हो के नहीं पढ़ो यार, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है। देखो सॉरी, ऐसा है कि 30% का पहले दिया, फिर 20%, फिर 10%। कहने का मतलब कि पहले 30% का डिस्काउंट दिया, उसने लिखा कि 30% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% प्लस 10%, इन सबको अगर ऐड करोगे तो कितना दिख रहा है, 60% का डिस्काउंट दिख रहा है। तो जैसा मैंने बताया, जो दिखता है वो होता नहीं है, मतलब ये 60% का डिस्काउंट नहीं है। देखो कैसे, 100 इंटू 70/100, 80/100, और ये हो जाएगा 90/100। सबको एक लेंथ में लिखना है, कोई इधर उधर नहीं करना है, बहुत ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 7 × 8 × 9/10, कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट पुराने वाला, कितना होगा। अरे कर लो यार, खुद से भी ट्राई कर लो थोड़ा, ये हो जाएगा आपका 50/50.4। अब बताओ आपको कितने का डिस्काउंट मिला, ऐसे तो आपको 60 दिख रहा था, 60 का डिस्काउंट दिख रहा था, देखो कितने का डिस्काउंट है भैया, 50% का भी डिस्काउंट उसने नहीं दे रखा है, और 60 की बात दिखा रही थी उसने, 60 दिखा के 40% भी, 50% भी उसने नहीं दिया है डिस्काउंट। कितना दिया है, 49.6% ओनली डिस्काउंट आपको मिला है, दिख क्या रहा था, 30 + 20 + 10, स्कैम है ना स्कैम। अब देखो ऐसा है कि ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको कैट में बहुत मिलेगा, ठीक है। कुछ डिस्काउंट वाले होंगे, प्रॉफिट लॉस वाले, कुछ डिस्काउंट वाले होंगे, कुछ सैलरी वाले होंगे, ठीक है, जो हम लोग आगे क्वेश्चन ये जो है ना करने वाले हैं। तो 50% यहाँ पे जो था ना, ये था गलत, ठीक है, ये था गलत। अभी मैं आपको एक क्लास ख़त्म करने का एक टाइम आ गया है, तो आपको मैं एक देने वाला हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। बोला जा रहा है कि एक शॉप है, उसने जो है ना 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 20% का पहले डिस्काउंट दिया, मतलब वो बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट प्लस, ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन था वैसा ही, 20% का डिस्काउंट प्लस 30% का डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट प्लस 5% का डिस्काउंट। ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, आप खुद से करके आना, समझ रहे हो, 20 + 30 + 5, टोटल उसका अमाउंट जो है, ठीक है, एमआरपी जो है, वो शॉप वाले ने जो सामान बेच रहा है उसका एमआरपी जो है ना वो है 3000 रुपीज़, समझ रहे हो, उसकी एमआरपी है।
अब आपको बताना है कि वो जो शॉप वाले ने जो बेचा है वो कितने परसेंट के डिस्काउंट में उस प्रोडक्ट को वो बेचा है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और इस टाइप के और भी जो क्वेश्चन है ना आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं, 10 मिनट 5-10 मिनट पहले ख़त्म हो रहा है। बाकी अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देना, ताकि जो है ना चैनल पे रीच बढ़ेगा ना, तो थोड़ा पढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा। और भी चैप्टर्स और भी कॉन्सेप्ट जो है वो सब हम लोग बिल्डअप करेंगे, LRDI का भी नया आने का सोचेंगे, ठीक है। तो जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ इस बात को आप ध्यान में रखना और सही ढंग से पढ़ना, बात समझ रहे हो। और 11M में जो है आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना, सारा जो है बिल्डअप क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा है, ये आपके माइंड को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है फिर, धन्यवाद, थैंक यू।